हेलो गाइस, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इतना दिन हो गया हम वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि अभी हम घर से थोड़ा दूर है, इसीलिए अभी आज जो है जो रिपब्लिक डे है हमारा मम्मी के साथ ही सेलिब्रेट करने के लिए हम भी अभी मिर्चीथांग जा रहे हैं। तो आप लोगों को चुंगथांग से लेकर जो लाचेन का रूट का अपडेट भी देते रहेंगे और निकलेंगे यहाँ से। आपको, आप लोग ने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि आप लोगों को कि मैं घर से थोड़ा दूर आई हूँ काम करने के लिए, तो इसीलिए आज छुट्टी है, तो इसीलिए आज ही जा रहे। कल जाने का प्लान था बट मुझे कोई भी नहीं मिला। अभी सुबह दिन में तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ और बट कल तो 4 बज गए थे, 4 बजे तो फिर मैं अकेले कैसे जाती है क्योंकि शाम हो जाता जाते जाते। तो अभी जा रहे गाइस, तो फिलहाल अभी पूरा गमबूट वमबूट पहन के पूरा रेडी हो गए, अभी निकलने वाले हैं। तो गाइस, अभी घर में जाने के लिए पूरा पैकिंग हो चुका है, अभी बैग वैग पूरा पैक हो चुका है और इधर भी बहुत सारा सामान और यहाँ पे भी मैगी वैगी इधर उधर ले जाना है। तो गाइस, इतना ले जाने इतना है पैकिंग। अब इसके बाद आप लोग को वो करके मिलते हैं, निकल के अभी रास्ते पे आप सबसे मिलते हैं। तो गाइस, रूम से निकल के ऊपर आ चुका है और पूरा कवर अप से तैयारी हो चुके है, पूरा जैकेट कैप मास्क पहन के क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उड़ता है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और कैप जो धूप की वजह से बहुत ऐसा होता है, इसीलिए आँख ही नहीं दिखता है, वो पहाड़ का जो चट्टान भी वो भी चमकता है और आँख ही नहीं दिखता है इसीलिए। तो पूरा फुल पैक, बैग भी पूरा बोक के अभी अकेले निकल चुकी है हम। अभी आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से रास्ता। और सॉरी फॉर लेट अपडेट गाइस, अभी ये ऊपर चढ़ना है तो अभी ऊपर चढ़ के मिलते हैं। तो गाइस देखिए, ऊपर आते समय जो आप लोग ने अगर मेरा पहला वाला जो वीडियो देखा होगा, व्लॉग देखा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा चट्टान ऐसा ब्लास्ट हो रहा था, उस दिन हम लोग बहुत दौड़े थे। तो गाइस, अभी ये थोड़ा अच्छा और खुला हो चुका है बट मुझे सब लोग वार्निंग दे रहे थे कि अकेले मत जाना क्योंकि थोड़ा वो जो छोटा जो ऐसा अटका हुआ रॉक है वो गिर रहा है। तो गाइस, मुझे लगता है मे बी ये शाम को गिरा होगा ये जो पत्थर था, क्योंकि कल तक तो ये नहीं था और शाम को गिरा होगा क्योंकि नया दिख रहा है। और गाइस देखिए, पूरा मेटल्स भी बिछ चुका है रास्ते में और बहुत अच्छे से अभी खुल रहा है और अच्छा से हो रहा है। और मुझे एक चीज़ में बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं अभी बहुत दिन हो गया यहाँ से ये रास्ता पे नहीं चली हूँ, तो पता नहीं है कहाँ कहाँ नया रास्ता खुल चुका है और किस तरह से मुझे जाना है। तो आज मेरा ये थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचरस हो रहा है क्योंकि एक भी लोग नहीं चल रहा है ना, पीछे से आ रहा है। तो गाइस, अकेले जाने में क्योंकि रास्ता पता नहीं है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर भी अभी देखते हैं, मे भी दिखाई देगा कि कहाँ से जाना है क्या नहीं। तो गाइस, पहले आप लोगों को जब दिखाया था तब इतना नहीं था, अभी देखिए पूरा मेटल्स बिछ के जो रोलर्स ने पूरा ऐसा कर दिया है और रोल कर दिया है पूरा अच्छे से। तो गाइस देखिए, जब पहले मैंने वीडियो किया था तब रास्ता यहाँ तक था बट अभी मशीन्स वहाँ ऊपर गया है। हम लोगों को ये जो रेड फ्लैग दिख रहा है इससे ऊपर जाने का रास्ता था बट अभी पूरा रास्ता नहीं है। आप पता नहीं इधर से शायद घूम के जाना पड़ रहा है या कहाँ से जाना पड़ रहा है, बट अभी बहुत काम थोड़ा, इतना दिन नहीं आया तो काम थोड़ा प्रोग्रेस हो गया क्योंकि रास्ता पूरा आधा तक अच्छे से बन चुका है, पहले इतना नहीं बना हुआ था और पूरा मेटल्स भी बिछ गया है रास्ते पे और इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड, अभी थोड़ा रिलीफ भी हो रहा है कि हाँ हो रहा है काम, अभी हो जाएगा ऐसा सोच के। तो गाइस देखिए, अभी मुझे पता ही नहीं है कहाँ से जाना है और लग रहा है कि इधर से ही जाना है घूम के, तो देखते हैं गाइस अच्छे से क्योंकि गाइड करने वाला भी कोई नहीं क्योंकि आज 26 जनवरी की वजह से सब छुट्टी बैठ गया है, आज काम भी नहीं हो रहा है इसीलिए। तो गाइस, यहाँ से तो इम्पॉसिबल है ऊपर चढ़ने का क्योंकि
है ही नहीं यहाँ पे, तो बंदा चढ़ा हुआ जैसा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे पूरा ऐसा पत्थर ऊपर से गिरा के ऐसे साफ भी ना किए ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि आज छुट्टी है इसीलिए कल किया होगा। तो गाइस अभी इसके पत्थर के ऊपर ऊपर से चल के जाते हैं। ओ तो गाइस यहीं से रास्ता, क्योंकि बंदा लोग चला हुआ, थोड़ा फुटप्रिंट दिख रहा है। थैंक गॉड ये बनने से क्या हम लोग को फायदा होगा कि इतना जो ऐसा पहाड़ चढ़ना था वो नहीं चढ़ना पड़ रहा है। तो अभी चल रहे गाइस, देखिए। ओ माय गॉड गाइस यहाँ से तो कहाँ जाना है मेरे को तो पता ही नहीं है। मेरे पीछे एक बंदा आ रहा था। तो गाइस यहाँ पे ऊपर चढ़ना होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा रिक्स है, आप लोग ऊपर पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं और मशीन्स के यहाँ पे पहुँच चुका है। पहले हम यहाँ नीचे था, अभी ऊपर आ चुका है। और यहाँ से जो है पुराना ही रास्ता चलना है, पहले का जो रास्ता था वही चढ़ना है। वो एक लड़का भी मिल गया दोस्त, हमारे गाँव से आगे का है। तो गाइस देखिए जो चुंगथांग से लाचेन आने वाला रास्ता है बन रहा है। तो अभी गाड़ी भी आने के लिए हो चुका है इतना तक। तो गाइस ये जो है चुंगथांग से लाचेन आने वाला जो रास्ता है जो खराब हुआ था वो बन रहा है। और अभी हम जा रहे हैं हमारे गांव जो मुंसेथांग है लाचेन साइड, वो रास्ता खुल जाएगा तो फिर लाचेन का पूरा रास्ता भी खुल जाएगा। तो अभी आप में चलते और दिखाते हैं आप लोगों को कि वहाँ का कितना काम का प्रोग्रेस हो चुका है। अभी यहाँ पे तो बहुत हो चुका है कि ऊपर आ चुका है पूरा, मशीन्स आप लोग ने देखा ही है। बट ऊपर का जो मुंसेथांग साइड का क्या है क्या नहीं वो आप लोगों को अभी दिखाते हैं। अभी हम सीधा आप लोगों को छुप बुलबुल जो छुप बम्बू है वहाँ का वहाँ पहुँच के मिलते, क्योंकि अब वहाँ तक पूरा ऐसा जंगल का ही रास्ता जाना है। आप लोगों को पहले मैंने ब्लॉग में दिखाया हुआ है, तो अभी जो है वही पूरा ब्लॉक में जाना है। तो अभी तो आप लोगों को पता है ये ऐसा वाला रास्ता है पूरा, ऐसा 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 ही रास्ता जाकर जहाँ से मशीन्स लगा हुआ है उतना दिखाएंगे। और हम थोड़ा गेस करते हैं कि मेरी जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को गेस करके बताते कि मेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा। तो गाइस देखिए ये गाड़ी में पूरा राशन लेकर आया है। अभी ये राशन कितना लोग मिल के बोक के पूरा लेकर जाएगा ऊपर हमारे गांव में। तो गाइस बहुत दिन नहीं आया था, तो पहले हम लोगों को ये चट्टान पूरा ऐसा बहुत डेंजर था, ऐसा अगर गिर गए तो सीधा खाई में गिर जाता। तो अभी लोगों ने इधर से ऐसा पूरा सीढ़ी बना रखा है और चलने में बहुत आसान हो रहा है। गाइस देखिए धन्यवाद कि जिसने भी ये सीढ़ी बनाए, बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों ने, नहीं तो गाइस ये चट्टान गिर के आना था। अगर ना बारिश के टाइम में ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पानी बहता है समर में जो है पूरा ऐसा फॉल्स जैसा गिरता है, खोलचा है, खोलचा नेपाली से खोलचा बोलते हैं, हिंदी से क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। तो बारिश के टाइम में जो ये बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ लोगों ने यहाँ से पूरा सीढ़ी बना रखा है। और यहाँ से चलने में डर भी लगता था और रिक्स भी था, बट यहाँ से जो बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है, देखिए गाइस। तो गाइस जो हमारा गांव का रास्ता है आप लोग अगर देख सकते हैं तो देखिए तो देखिए गाइस यहाँ पे मशीन है, और पहले तो दिखाई भी नहीं देता, अभी दिखाई दे रहा है, थोड़ा पास जाके अभी दिखाते। मुझे सजेस्ट किया है कि ये जो अभी नया कटिंग हो रहा है ये रास्ते से नहीं चलना है, क्योंकि अभी बहुत लोग मिला हुआ था रास्ते में, वो लोग बोल रहा था कि नहीं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिक्स ज़्यादा है। तो इसीलिए गाइस आप लोग को ये नहीं दिखा सकते, पर मैं वहाँ गाँव घर पहुँच के अगर, क्योंकि मैं बहुत थक गया अभी बहुत दिन हो गए नहीं चल के, तो अगर घर जाके आप आए और मेरा थोड़ा शरीर ने साथ दिया तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे आकर इधर। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ नीचे नदी के रास्ते से जाएंगे, यहाँ भी रिक्स से बोल रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊपर का जो पत्थर है वो गिरेगा बोल रहा था गाइस। बट ये जंगल से मैं अकेला जा भी नहीं पाऊँगा, बहुत दूर भी है प्लस फिर अकेला भी होगा, तो मैं जितना हो सके नदी का रास्ता ट्राई करेंगे। गाइस देखिए मशीन तो अभी कितना दूरी है, और देखिए रास्ता तो पूरा ऐसा 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 है, पूरा नीचे ऐसा बन चुका है देखिए।
रास्ता से, तो ऐसा रास्ता है, आप बोल भी नहीं सकते कितना टाइम लगेगा रास्ता खुलने में, बट कम से कम तो 2-3 महीने तो लग जाएगा। अभी भी जनवरी, अभी 26 जनवरी है, 26, 27, मार्च, मे बी मार्च अप्रैल तक खुल भी सकता है, देखिएगा इस, बट अभी तो ऐसा सीन है, पूरा रास्ता ऐसा हो चुका है, देखिए गाइस बहुत डेंजर है। तो गाइस देखिए, पहले रास्ता ऊपर से कहाँ तक आ रहा था, बट अभी यहाँ तक पूरा कटिंग हो गया है। देखिए अभी इधर से थोड़ा बहुत लगा के फिर मशीन ऊपर जाके फिर काट काट के आएगा। अभी देखिए पहले हम लोग यहाँ से जो नदी वाला रास्ता जाना पड़ेगा, बट अभी ये मेरा गांव का ही दोस्त है, तो इसके साथ अभी फिलहाल हम यही जो नया कटिंग वाला रास्ता में रास्ता से होके जा रहे हैं। गाइस अकेले थोड़ा हिम्मत नहीं आ रहा था क्योंकि लोगों ने बहुत डर दिखाया, बट अब दोस्त होने की वजह से अभी जा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल अभी गांव पहुंच गए, तो मशीन जो उधर गया था यहाँ से रास्ता बना के गया होगा। तो गाइस यहाँ ऊपर से रास्ता बन रहा है, मशीन वहाँ पे, इधर से दिख भी नहीं रहा है अभी यहाँ पे। देखिए गाइस चुंगथांग से मिंचीथांग आने वाला, जैसे चुंगथांग से लाचित जाने वाला रास्ता का अभी तक का फिलहाल का यही लेटेस्ट अपडेट है। देखिए तो गाइस अभी घर पहुंच चुके हैं और कपड़ा भी चेंज कर चुका है। आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल पे। और गाइस आप लोग बहुत जो जितना भी लोग है देखता है बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग का सब्सक्राइब का हमें बहुत जरूरत है। और गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।